जैसे ही सातवें फेज की बहाली नजदीक आ रही है, वैसे ही कई तरह की डिमांड्स, कई तरह की मांग सरकार के सामने रखी जा रही है। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें यह हुआ है कि कल के दिन में जो ऑलरेडी गेस्ट टीचर बिहार में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने एक ट्विटर कैंपेन चलाया है और सरकार से ये मांग रखा है कि उनको पक्का किया जाए, उनको सातवें फेज का जो बहाली प्रोसेस है उससे इतर जाकर के उनकी नौकरी को गेस्ट टीचर को परमानेंट टीचर में बदला जाए। गेस्ट टीचर के साथ एडवांटेज ये है कि उनको 5 नंबर का बोनस मिलने का प्रावधान जो नियमावली 2020 थी उसके अंदर 5 नंबर का उनको एडवांटेज मिल रहा था। अब जो ऑलरेडी जो एसटीटी पास कैंडिडेट है जो गेस्ट टीचर नहीं है, उसके मन में ये सवाल होगा कि कितने गेस्ट टीचर हैं, किस किस सब्जेक्ट में गेस्ट टीचर हैं और कितना नंबर का फायदा होने जा रहा है, कितने साल से काम कर रहे हैं और पिछला नियमावली क्या इनको फेवर करता है और नई नियमावली में क्या हो सकता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ग्रुप्स के अंदर शेयर भी कीजिए, ये बेहद जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जैसा मैंने शुरुआत में कहा है, कल के दिन में जो गेस्ट टीचर बिहार में काम कर रहे हैं उन लोगों ने एक ट्विटर कैंपेन चलाया है जिसमें अपनी जॉब को पक्का करने की बात कही गई है। जॉब तो पक्का होगा कि नहीं होगा आमतौर पर कुछ पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता। बहुत तरह की मांगे सरकार के सामने रखी जाती हैं लेकिन सब कुछ पूरा नहीं होता। लेकिन शिक्षक बहाली के अंदर क्या है, इनका जो कंडीशन है, 5 नंबर का एडवांटेज के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। एक गेस्ट टीचर ने 1 साल काम किया हो या 5 साल काम किया हो या 4 साल या 3 साल जितना भी किया हो, उसको 5 नंबर ही मिलेगा। पर 5 नंबर मिलने का एक शर्त यह है कि मिनिमम 1 साल काम किया होना चाहिए। अब 150 नंबर का एग्जामिनेशन है। मान लीजिए एक कैंडिडेट है जिसने 100 नंबर लाया एसटीईटी में, वो गेस्ट टीचर नहीं है। एक दूसरा कैंडिडेट है जो गेस्ट टीचर है लेकिन उसमें 100 नंबर नहीं लाया, उसने 92.5 ही लाया, 92.5 ही स्कोर किया। दोनों कैंडिडेट बराबरी में बैठेगा अगर सिर्फ एसटीईटी मार्क्स पर बहाली हो। हालांकि 60-40 है लेकिन एक एग्जाम्पल देने के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि अगर एक गेस्ट टीचर 92.5 लाता है और एक आम कैंडिडेट जो गेस्ट टीचर नहीं है वो 100 नंबर लाता है तो दोनों का मेरिट बराबर होगा। उसका रीजन ये है कि 5 नंबर का एडवांटेज मिल रहा हो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 150 नंबर का हुआ है इसलिए वहां से अगर आप 5% देखेंगे तो 7.5 नंबर बनता है। तो 7.5 नंबर का एक एडवांटेज गया है गेस्ट टीचर्स को। जो भी लोग गेस्ट टीचर बने, पहले उनके बनने की शर्त क्या थी आपके स्क्रीन पर देखिए, ये नोटिफिकेशन उसी वक्त का है। पहले इनका मैं नोटिफिकेशन पढ़ के बताता हूं फिर इस पर भी चलेंगे कि किन किन सब्जेक्ट में गेस्ट टीचर हैं और कितना किस सब्जेक्ट में नुकसान हो सकता है। रिक्त पदों पर राज्य के अर्हताधारी बेरोजगार युवक युवतियों की सेवा अतिथि शिक्षक के रूप में ली जाएगी। इसके लिए निर्धारित अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर MA MSc MCOM चाहिए की योग्यता तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से BEd अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से BEd की डिग्री हो, प्रशिक्षित स्नातकोत्तर अर्हताधारी आवेदन कर सकेंगे। मतलब BEd होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, खाली ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। अब इससे एक बात तो आपको समझ में आती है कि जो मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ ये +2 वाला है, तभी इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है और BEd तो खैर रहेगा ही रहेगा। उसके आगे लिखा हुआ है, परंतु भौतिक रसायन शास्त्र विषयों के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ BTech MTech की अर्हता होगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 में उत्तीर्णता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर BTech वालों को अलाउ किया गया था और इसमें अप्लाई करने के लिए STET का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं था, BEd और पोस्ट ग्रेजुएशन ही चाहिए था। लेकिन अगर आपके पास STET का सर्टिफिकेट है तो आपको एक एडवांटेज है, आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी बहाली के अंदर। अब तो ये बात आपको समझ में आ गई कि उस टाइम की बहाली +2 स्कूल्स में ही हुई थी। ये 2018 की बात है जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2018 उसके पहले भी हो सकता है कि अतिथि शिक्षक बहाल हुए होंगे पर उनका डिटेल मैंने कलेक्ट नहीं किया, वो बहुत पुरानी बात है। बहुत सारी जो बहुत पुरानी चीजें होती हैं वो इंटरनेट पर आसानी से मिलती भी नहीं है। तो मैं 2018 वालों की ही बात करूं, उसमें तकरीबन 5,000 के आसपास शिक्षक बहाल हुए, तब किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना हुए थे वो भी आपको पता लगेगा। और इसका आखिरी कंक्लूजन क्या है कि क्या कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस वालों को परेशान होने की जरूरत है, उस पर ही बात करेंगे क्योंकि मुद्दा तो मेनली इन्हीं 2 सब्जेक्ट का STET को लेकर के। तो ये आपने देख लिया यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जब इसका एप्लीकेशन खुला, जब लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया तब क्या हुआ वो देखिए आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा।
अतिथि शिक्षकों के आवेदन में 92% बीटेक अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया। मतलब ये कितनी अजीब कंडीशन है कि आज के टाइम पे जो बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा बेरोजगारों ने कौन सा डिग्री ले रखा है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 92% लोगों ने बीटेक कर रखा था जिन लोगों ने अप्लाई किया था। मतलब बड़ा हैरान कर देने वाली बात है, पर यही हैरान कर देने वाली बात सच भी है। अब चलते हैं इसके कुछ और पहलुओं पर जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वाइज क्या हाल था। आपके स्क्रीन पर अभी देखिए, थोड़ा इसको और छोटा करना पड़ेगा, ये देखिए अभी आपके स्क्रीन में आ गया। अतिथि शिक्षकों का कैलेंडर जारी, योग्य उम्मीदवार 22 से 24 जून के बीच आवेदन कर सकेंगे। मानदेय 1,000 रुपया मिलेगा हर दिन का, जो कि 25-26 हजार रुपया महीना बनता है मैक्सिमम। अगर आपको हर दिन क्लास करने का, सभी वर्किंग डे पर क्लास किया आपने, तो आपको उतना पैसा मिलेगा। ये 2018 की बात है, जो जून और मई का डेट जो बताया जा रहा है वो 2018 की बात है। अब ये सब तमाम चीजें तो आप समझ गए, लेकिन इसके बॉटम पे देखिए जो सब्जेक्ट की बात है, और इसका जो एप्लीकेशन जो है उसी तरह से लिया गया था, जो एनआईसी की वेबसाइट होती है जिले की, उसी पर पीडीएफ था, पीडीएफ डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहां जाकर के वही नियोजन इकाइयों का सारा मामला, पूरा सिस्टम वैसा ही था जैसा कि आमतौर पर शिक्षक बहाली होती है। अब मुद्दा यह है कि किस किस सब्जेक्ट में ये लोग थे, आपके स्क्रीन पर देखिए 4,257 शिक्षकों की बहाली का उस टाइम पर नोटिफिकेशन आया, जिसमें अंग्रेजी की 1,041, गणित के 791, भौतिकी की 1,024, रसायन शास्त्र के 974, प्राणी शास्त्र के 137 और वनस्पति शास्त्र के 290। कुल मिलाकर के इन सबको ऐड करके हो जाता है 4,257। और इन सभी सब्जेक्ट्स का अगर आप चेक करें तो ये पेपर टू के सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, क्योंकि पेपर वन वाला होता तो फिर वो साइंस होता, वो इस तरह से अलग अलग क्लासिफाई नहीं होता फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी करके, तो ये सब के सब पेपर टू वाले सब्जेक्ट हैं। और कुल 4,257 पदों पर बहाली हुई थी उस टाइम पे, और जो कुछ है जो और डेट्स वगैरह उस वक्त पे थे वो सब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पुराने अखबार से मैंने ये सब कुछ निकाला है। अब मुद्दे की बात ये है कि क्या कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस को घबराने की जरूरत है। देखिए जहां तक सोशल साइंस की बात है तो 2018 में तो बहाली नहीं हुई थी, उसके पहले से टीचर होंगे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, उसके पहले के अगर होंगे तो मे बी वो लोग आ सकते हैं इस बहाली में 5 नंबर लेने के लिए, लेकिन उसके पहले के तो लोग मतलब 2018 में नहीं हुआ था। कंप्यूटर साइंस वैसे भी एक मतलब कॉन्वेंशनल सब्जेक्ट नहीं है, एक मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि कंप्यूटर साइंस में कोई गेस्ट टीचर की बहाली करे। ये तो जब टीचर नहीं मिले तब सरकार मजबूर होकर के सरकार ने ये काम किया कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर जहां पर टीचर नहीं है वहां पर गेस्ट टीचर बहाल करके काम चला लेते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में कोई गेस्ट टीचर का मामला है ही नहीं। और सोशल साइंस में 2018 में मामला नहीं था, उससे पहले का मैं उसका और चेक करना पड़ेगा मुझे, लेकिन 2018 में नहीं। और 2018 के पहले के अगर होंगे तो वो पहले के फेज में कहीं एडजस्ट हुए होंगे या कहीं और जॉब कर रहे होंगे, कोई 20 साल से बैठा तो नहीं रहेगा कि इसी एसटीईटी में जॉब लेना ही लेना है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इन टीचर्स ने जो भी हैं गेस्ट टीचर, इनकी वजह से सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस पर कोई असर नहीं है। जिन सब्जेक्ट्स पर थोड़ा असर है उनका नाम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इनकी संख्या कितनी है वो भी दिख रही है। अब इस बात को भी समझिए कि जो कैंडिडेट बीएड कर चुका है, जो 2018 में गेस्ट टीचर के तौर पर बहाल हुआ है, डेफिनेटली उसने एसटीईटी भी दिया है 100%, जो भी कैंडिडेट उसने एसटीईटी भी दिया है। और जो भी एसटीईटी दिया है, एसटीईटी पेपर टू में कंप्यूटर साइंस को छोड़ा करके जूलॉजी में भी थोड़ा सा था मुश्किल, लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट्स में बहुत आसान, जूलॉजी में भी सबका हो जाएगा जो भी क्वालिफाइड है। तो कहने का मतलब यह है कंप्यूटर साइंस में तो कोई है ही नहीं गेस्ट टीचर, तो पेपर टू के बाकी सब्जेक्ट में किसी को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब जो लोग अभी मांग कर रहे हैं उन लोगों ने एसटीईटी क्वालिफाई ही नहीं किया है, तभी वो लोग डायरेक्टली अपने आप को पक्का टीचर बनाने की कोशिश में हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि जो गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, चाहे जब से भी काम कर रहे हैं 2018 से या जब से भी काम कर रहे हो, अगर उन्होंने एसटीईटी क्वालिफाई कर रखा है, उनकी जॉब कोई नहीं रोक रहा है, उनकी जॉब 100% होनी है, वो पक्के टीचर बनेंगे, इस बात में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई जबरदस्ती बीच में से बोल रहा है कि नहीं हमें पक्का टीचर बनाओ, तो इसका मतलब उस कैंडिडेट के पास एसटीईटी क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट नहीं है, तभी वो इस तरह से डिमांड कर रहा है। बड़ा नेचुरल है, आप भी सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी के लिए ही सारी चीजें हैं गेस्ट टीचर्स को लेकर के, गेस्ट टीचर को मुझे नहीं लगता कि पक्का किया जा सकता है, क्योंकि डिमांड उठाना अलग बात है,
लेकिन जो इनका 5 नंबर का जो एडवांटेज है वो हो सकता है नई नियमावली में भी कंटिन्यू रह जाएगा, क्योंकि जो बोनस देने का प्रावधान है 1-8 वाली नियमावली जो वायरल हुई है उसमें 2020 वाले को ही कंटिन्यू कर दिया गया है, जैसे वहां पर था वैसे ही बोनस नंबर उसी तरह से कंटिन्यू कर दिया गया है, सिर्फ बहाली का जो 60-40 उसको चेंज किया गया है। तो इस बात की फुल पॉसिबिलिटी है कि 2020 नियमावली की तरह यहां पर भी गेस्ट टीचर्स को फायदा होने वाला है और गेस्ट टीचर जो भी एसटीटी क्वालिफाइड है सबकी बहाली भी होने जा रही है, इसमें कोई भी डाउट ना रखें। तो अभी के लिए सारी चीजें हैं, ओवरऑल यह है कि सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। कई सारे मैसेज आए तब मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। तो अभी के लिए सारी चीजें, आगे कोई भी अपडेट आता है साथ में फिर की बहाली संबंधी तो मैं आपको जल्दी अपडेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।